And please, a round of applause for the Jamia Millia Islamic Teachers Association. Please come. साथियों, सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहते हैं डुमका के प्रेसिडेंट और उनकी टीम को कि हल्ला बोल आज हम लोग कर रहे हैं यूजीसी के साथ। हम उस वक्त तक ये स्ट्राइक या धरना नहीं रोकेंगे जब तक कि हमारी डिमांड पूरी न कर ली जाए। 3070 किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 3070 वापस लो, वापस लो, वापस लो, 3070 वापस लो, वापस लो, वापस लो, एपीआई रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, एपीआई रोल बैक, रोल बैक, रोल बैक, पेंशन रिवीजन हम हर हाल में चाहते हैं। हमारे बहुत सारे साथी इसी महीने में रिटायर हो रहे हैं, उनको अगर रिवीजन पेंशन नहीं हुआ तो वो तो बिल्कुल सड़क पर आ जाएंगे। हम किसी भी सूरत में नहीं चाहते हैं कि पेंशन का रिवीजन ना हो। यूजीसी मुर्दाबाद, 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 यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, यूजीसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झूठा जिंदाबाद, 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 झूठा जिंदाबाद, जिंदाबाद, congratulations to Bhutta for bringing out the issue on the forefront. I think through Fatkota and Bhutta leadership, we have always been fighting for the parity and justice to the higher education system. I think you see the government, which talks about economic liberalization and development of the superpower of the country at the cost of education. I don't think we cannot understand, ignoring the higher education, how to make a superpower of this country. That is a contradiction. Another thing is, even if you want to make a superpower of India and that country, then higher education plays a key role. Even if you privatize it, I think how much that can cover the privatization. It is the 700 universities and 40,000 colleges of the government sector only providing the higher education. These are the inherent contradictions. I think we should not accept that one. One more thing I want to inform you is that any chairperson of the UGC is a professor, is a teacher. The moment they enter in profession, they become a bureaucrat. And we are guided by the bureaucracy. And even if you want to go the line of the bureaucracy, not at the cost of the teachers and teaching community, after 5 years you have to come back to the teaching community. Every chairperson forgets that. Friends, I think it's a long battle. I think through the battles only we have achieved so far, and we have to achieve many more. Fatkota and Bhutta will take always the lead. I think the down, down, anti-teacher policies of the government. Down, 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 down. It is a shame of the government, anti-teacher policies of the higher education. Shame. Other office bearers, President of JNU, Jamia Millia Islamia, President, Secretary, Mehmood Sahab, उधर खड़े हैं, इधर आ जाइए। President Nandita Ji, आप भी आगे आ जाइए। Please, Staff Association के President, Secretaries और तमाम साथी जो यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस सरकार का शिक्षा विरोधी और प्राइवेटाइजेशन एजेंडा नीतियों का विरोध करने के लिए 2 नवंबर को जो पे कमीशन नोटिफिकेशन MHRD ने सार्वजनिक किया उसमें क्या है ये हम सबको मालूम होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लोएस्ट एवर पे कमीशन है ये।
किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कहा तो हम बात करते थे कि उच्च शिक्षा में टैलेंट को कैसे लाया जाए, कैसे उसको रिटेन किया जाए। पिछले साल हम लोगों ने तमाम प्रयास किया था, आज ये चाहते हैं कि हमें तनख्वाह सबसे लोएस्ट मिले। इसमें तमाम लोगों का स्टैग्नेशन 2-3 साल के बाद शुरू हो जाएगा, ये 5 साल तक का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी टीचर विल बी अंडर स्टैग्नेशन। थर्ड, बात करते हैं मेक इन इंडिया की, मेड इन इंडिया की तमाम बातें करते हैं, लेकिन एमबिल और पीएचडी का जो इंक्रीमेंट है, पिछले बार 4 का हमने 5 किया था, पिछले बार एमबिल का 2 था हमने 3 किया था, इस बार एमबिल और पीएचडी का इंक्रीमेंट को इन सर्विस भी खत्म कर दिया। और जो आने वाले लोगों के लिए, उनके लिए भी एडवांस इंक्रीमेंट को भी खत्म कर दिया। इसका नतीजा क्या होगा, जब एमबिल और पीएचडी का इंक्रीमेंट आपके बेसिक के साथ जुड़ते हैं तो आपका जो इंक्रीमेंट का वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये सारा चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। 5 साल का आपको फायदा मिलता है जो लोग पीएचडी करके आते हैं। पिछले बार पे कमीशन के बाद हम स्टाफ रूम में जाकर के कहते थे कि जो लोग पे बैंड 4 में पहुंच गए, मैंने भी पीएचडी नहीं किया था, और हम कहते थे कि आप कम से कम सारे लोग पीएचडी कर लीजिए, क्योंकि आपका वॉल्यूम, आप जो इंक्रीमेंट है वो ज्यादा होगा। यंग साथी भी पीएचडी करने लगे थे क्योंकि उनका 5 इंक्रीमेंट बनता है। आज ये तमाम इंक्रीमेंट्स को इन्होंने विथड्रॉ कर दिया। ये कौन सी रिसर्च को प्रोत्साहन करना चाहते हैं, ये विदेशी टीचर्स को यहाँ ला करके पढ़ाने की बात करते हैं। तीसरा, 70-30, 30% ये कह रहे हैं कि पिछले 13 जनवरी 2017 को इन्होंने चिट्ठी लिखा और उसके तहत इन्होंने कहा कि आपको 70% से ज्यादा नहीं मिलेगा और ग्रेजुअली आपको स्वायत्तता होना पड़ेगा, आपको एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा उस डॉक्यूमेंट का पार्ट। जो 30% की बात ये लगातार इसके बाद हो रही है, इसको प्रिंसिपली भी अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा उच्च शिक्षा का ध्वस्त हो जाएगा, ध्वस्त होगा, क्योंकि इसका 30% कर्मचारियों का, 30% इसका अगर कोई कम भी करते हैं, प्रिंसिपली भी अगर हम एग्री करते हैं, इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन के और हमको धकेला जा रहा है। ये अब अंडानी और अंबानी का खरीदने का सामग्री बन चुका है एजुकेशन। अंबानी ने एसटी का समिट में कहा कि नेक्स्ट एजेंडा अंबानी ग्रुप का क्या है, कि हम उच्च शिक्षा को लेना चाहते हैं, भाव में वो लेना चाहते हैं। ऐसे दशा में इसका विरोध ही एक ही मात्र रास्ता है। डिफेंस इज द ओनली सोल्यूशन, ओनली बेस्ट एक्टिविटी दैट वी कैन डू। यू डिफेंड, ऑफेंस इज द बेस्ट एक्टिविटी। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, इसमें स्टैग्नेशन है, कॉलेजेस में प्रोफेसरशिप होनी चाहिए, लाइब्रेरियंस का पैरिटी होनी चाहिए, तमाम नौजवान साथियों को जो कॉन्ट्रेक्चुअल ग्रेजुएशन, आज प्रोफेसर भी कॉन्ट्रेक्चुअल लग रहे हैं। अभी जेएनयू के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि ये यूजीसी का चेयरमैन, ये तो एक कठपुतली है। सारे पॉलिसीज आज पीएमओ में फॉर्मुलेट हो रही है और ये सारी पॉलिसीज आज पीएमओ में प्रेसिडेंट अलीगढ़ मुस्लिम एसोसिएशन एसोसिएशन पे साहब को नमस्कार। प्लीज
give all these people a big hand because everybody will make this moment. हम सभी मेमुसा भागा हैं। बिल्ली अपना रास्ता नहीं बदलेगी। डट करके मुकाबला करिए। ये शुरुआत है। हम एक बात और भी बताना चाहते हैं। यहाँ पर जो तादाद हमारे नौजवान साथियों का है, उनका एब्जॉर्प्शन के लिए भी हम लोग प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। धार आएगा और खाली धार लाने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, अंदर मन से उनको सुरक्षित और उनके स्थायित्व के बारे में हमको संकल्प करना पड़ेगा, ताकि हम सब ये जब पांच अंगूठी कस करके कोई चीज को नहीं पकड़ती है तो पकड़ कभी मजबूत नहीं होती है। दोस्तों, हमारा आज का जो ये लड़ाई है, ये चंद रुपये की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है इस हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा का वजूद को बनाए रखने के लिए। हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से खतरा नहीं है, हमें अपने जो फंडिंग को चौक कर दिया गया है, दिल्ली विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर पिछला एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बताया, इस सैलरी कंपोनेंट को देने के बाद हमारे पास मात्र 58 करोड़ रुपया बच गया था, जिसमें की बिजली भी देनी है, लेबोरेटरीज को भी चलानी है, इसलिए कोई ग्रांट किसी को मिल नहीं पाया। हमने हमारे लोगों ने वहां पर पूछा कि इस बात को तकिया के नीचे दबा करके क्यों रखा था, सार्वजनिक क्यों नहीं करते। दोस्तों, इस बार का भी बजट को आप देखिए, आंख बंद मत करिए। 2013 में 4.8% का जहां जीडीपी का एलोकेशन था, घटते घटते आज 3.1% में आ गया है। आज टोटल बजट का जहां पिछले साल जो ऑलरेडी कम था 1.57% था, ये 1.43% में। यूजीसी, अरे इनका तो आत्मसम्मान भी खत्म हो गया, ये तो पोस्ट ऑफिस भी नहीं रहा, इनके सामने तो हमें दया आती है। इनको ये तो घेर करके रखे हुए, मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्या है। दोस्तों, यूजीसी का बजट 200 करोड़ इस बार कम करके भेजा है, 2014-15 में 40% कम किया था, उससे घटते घटते पिछले साल का जो कम बजट था उससे भी आज 200 करोड़ रुपया इन्होंने कम किया। इससे साफ जाहिर होना चाहता है कि शिक्षा का दशा और दिशा किस दिशा में जा रही है। इसको रोकने के लिए शिक्षकों का, समाज का भी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज का जिम्मेदारी आने से पहले हम शिक्षक होकर के अगर आंख बंद करके बैठेंगे तो काम चलने वाला नहीं। संघर्ष करेंगे और जीतेंगे, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आने वाला समय में स्टूडेंट्स भी आपके साथ होगा, उनके लिए भी छात्र शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ खड़ा करके बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो न साथी हाथ खड़ा करे उनसे पूछिए कि वो इनके साथ है कि हमारा साथ। हर कोई बोले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर कोई बोले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक कमीशन नोटिफिकेशन डाउन 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 डाउन। दम है कितना दमन में।